है आजकल वहाज का एक और ड्रामा ऑन एयर है, मुझे प्यार हुआ था, उसमें भी बड़ा लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं और लोग बड़ा उनकी हानिया के साथ केमिस्ट्री को भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो आपने असेसमेंट की है कि आपकी और वहाज की केमिस्ट्री या वहाज की और हानिया की केमिस्ट्री दोनों में क्या ज्यादा गर्मा गर्मी क्रिएट कर ली? आप इसका जवाब देंगे। हेलो गाइस, इट्स वंशिका नंदा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो स्टूडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है द टॉक शो यमुना ज़ैदी और वहाज अली का। अभी तक हम लोगों ने तेरे बिन के इतने सारे एपिसोड्स देख लिए हैं जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अब इनका टॉक शो भी आ गया जहाँ पे इन्होंने बताया है कि लाइक उनका ये जो सफ़र है तेरे बिन का वो कैसे रहा है। और लाइक आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि आप प्लीज़ द टॉक शो पर रिएक्ट करिए करिए करिए, तो हम ऐसे थे कि ठीक है यार रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने ऑन स्क्रीन तो उनकी जो जोड़ी है वो देख रखी है, लेकिन हमने उन्हें बिहाइंड द सीन ही देखे हैं। तो मैंने ये देखना है कि लाइक जैसे वो ऑन स्क्रीन नीरव और मुस्तफिर जैसे लड़ते रहते हैं, मुस्तसिम जैसे लड़ते रहते हैं, क्या वो बैक स्क्रीन भी वहाज अली और यमुना ज़ैदी है वो वैसे ही लड़ते हैं? तो सीरियसली मैं इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। बिल्कुल यार, कौन नहीं जानना चाहता कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है और इनका लाइक आपस में किस तरह से वो बात करते हैं नॉर्मली इस ड्रामे से हटके। और इसमें बहुत सी हमें चीज़ें ऐसे सुनने को मिलेंगी जो कि रियलिटी बेस्ड भी होंगी, जो वो खुद बताएंगे कि ऐसे ऐसे है, मतलब कि हमारी नेचर क्या है या हम लोग स्क्रीन पर क्या गलतियाँ कर लेते हैं या क्या हमसे हो जाता है। तो इसमें फ़नी भी होने हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो मैं खुद इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टार्ट चल, इसमें कोई बात नहीं है मूड ऑफ करने वाली। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे नंबर दे देती यार, एक सेकंड कर लो यार, कर आप जाओ। एक तो तुम पहले लेट आए हो सेट पे और अब बस मुझे तुमने कहा है आधे घंटे से तुम गाड़ी में बैठे हो। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताओ, मैंने अपना मेकअप आधा छोड़ कर आई हूं। मैं अपना मेकअप यार आप मुझे क्यों अब यहां बैठना है तुमने? यार बैठने दो ना, बस मैं बैठ गई हूँ। चलो ये चलो चलो, पूरा शो है ना, मैं नहीं बैठ सकता हूँ यार यहाँ पे। वहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचना कि तुम्हारी साइड कौन सी अच्छी आ रही है यार। एक मेरा मेकअप भी पूरा नहीं हुआ। आप तो दोनों साइड से शूट करवा लेती हो ना? नहीं, मैं जरूरी नहीं, मैंने एक दफा कर दिया। हेलो 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 हेलो, वहाज अली यमुना ज़ैदी मेरे शो के सेट पे। कोई बात नहीं, हसन आपके लिए शिकायत सुनता हूँ, लेकिन क्योंकि आज आप दोनों मेरे शो पे आए। जी जी बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मैं जानदार जोरदार इंट्रो आपके लिए ना करूं? खवातीनों हजरात, इतने दो खूबसूरत हसीन जमील वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दो मोस्ट वांटेड एक्टर्स हैं, आज आए हैं आपकी भरपूर फरमाइश के ऊपर द टॉक टॉक शो में। इन दोनों ने टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो आग लगाई हुई है, यकीन जानिए, यकीन क्या जानेंगे, आपको तो पता ही है कि सूरज भी शर्मा जाए। ख्वातीन हजरात, प्लीज वेलकम वहाज अली एंड यमुना ज़ैदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, क्या खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है। थैंक यू थैंक यू, सबसे पहले ऑनेस्टली आप लोगों का बहुत शुक्रिया दोनों का। ये आप दोनों में फासला इतना ही बरकरार रहेगा बाय द वे या थोड़ा कमी? आप चाहते हैं कि शो कंप्लीट हो जाए? मैं चाहता हूं कि फासले को रहने दें, इस फासले को रहने दें। नहीं नहीं नहीं, ये फासला नहीं है, सेफ्टी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, उधर 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 उधर, हाँ हाँ, है ये दोनों दोनों, वन टू चल, हमेशा की तरह मैंने पहल की है। आज मैं हो चुकी हूँ पहले, ये हर दफा कॉम्प्रोमाइज पहले मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताए, एक बात बताए, माशाल्लाह आप दोनों की इतनी ये जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो सब देख ही रहे हैं, ऑफ स्क्रीन भी ये जो फायरवर्क्स हैं, आपको याद है आप दोनों पहली बार मिले कब थे? जी जी बिल्कुल, दिल उम्मीद तो नहीं किए सेट पे। हाँ, तो क्या पहला इंप्रेशन क्या था यमुना आपका वहाज को लेके? मुझे लगता था कि बड़ा कुछ उदास सा है, कुछ सैड है वहाज। क्या है इसके साथ? मैंने यासरा से सबसे मैं पूछती थी इसको क्या हुआ है, क्यों ऐसा, मैंने इससे भी पूछा, फिर से कहा नहीं मैं तो बस फराज की शायरी पढ़ सुनाता हूं। मुझे किसी ने कहा था कि यमुना ऐसे इंप्रेस होंगी, ये बातें करो उदास रहो शायरी, नहीं जी सॉरी मैं उदासी से कोई इंप्रेस नहीं। मुझे तो किसी ने कहा था। बात तो बताएं, आप यमुना को इतना इंप्रेस कर क्यों रहे थे भाई?
यमुना मुझे हमेशा से पसंद थी। अच्छा, बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं और मैं काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड था इनके साथ। लेकिन फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा तेरे बिन में वहाज सही रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट है वहाज को। मुझे प्रोडक्शन ने कहा कि हम वहाज को इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा बेस्ट। मैंने फटाफट, मैं अमेरिका में बैठी हुई थी, मैंने वहाज को कॉल मिलाई। सबसे पहले तो देखना पड़ता है टाइम और ये वो, तो वहाज ने कहा हाँ मुझे आया हुआ है स्क्रिप्ट। तो तेरे बिन का जब स्क्रिप्ट आया हमारे पास तो यमुना का बहुत वोट था कि हमें करना चाहिए। मेरा बहुत वोट था, बहुत वोट था, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वहाज से बार बार कही थी, वहाज देखो पूरा पढ़ लो, सिर्फ मेरे कहने पे मत करो। बट वहाज से पूछे कि इसने पूरा पढ़ के किया था। नहीं, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। नहीं, मुझे मेकर्स पे ट्रस्ट था, यमुना पे ट्रस्ट था और रिजल्ट आप सबके सामने। अच्छा, मैंने कहा यार तू तो बहुत सुकून से गुजरने वाला है और यू नो चाहे जो भी होगा मेरे को एक्टर तो बड़ा अच्छा। पहला दिन भी अच्छा गुजर गया था हमारा। हाँ, पहला दिन भी अच्छा। और फिर तेरे दिन में तो इसने मुझे इतना तंग किया है। मैं मीरव क्या ही तंग कर रही होगी मुर्तसिम को, बाय द वे, जो इसने तंग किया है मुझे। मैंने सुना कि आपका जीना हराम कर दिया था वहाज। भाई मैं कहती हूँ हर सीन से पहले हमारी लड़ाई हुई हर सीन से पहले। वजह ये जो लोगों को बड़ी केमिस्ट्री पसंद आ रही है हर सीन से पहले। अच्छा वैसे बाय द वे ना इसका मिजाज ऐसा है लड़ने वाला ना मेरा। अच्छा वहाज आपका है वैसे। अब देखो जरा, देख ले, किसी पे देख ले। क्यों लड़े थे भाई आप दोनों? यमुना कि अपना क्रिएटिव उनका इनपुट डिफरेंट होता था, मेरा डिफरेंट होता था। हाँ। तो बस उस पे जब हम एक चीज पे नहीं आमादा हो पाते थे और कोई हमें आमादा करवा भी नहीं पाता था तो बस लड़ाई हो जाती थी। और बहुत सीन ऐसे हैं जो हमने कोई उसकी सीआर नहीं की। हाँ। दोनों बात भी नहीं कर रहे, पूरा दिन बात सीआर मतलब रिहर्सल नहीं की। कोई बात नहीं हुई हमें, कोई उसकी कम्युनिकेशन नहीं है और हमने सीन्स परफॉर्म किए। मैं आई फील ग्लैड कि मुझे ऐसा लगता था कि हर जो चीज गलत हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है। हर बात का इल्जाम ही कहता था यमुना, इसका भी इल्जाम तो मुझे दे रही हो। अच्छा दूसरा ये कि ये मेक श्योर करता था कि अगर इसका आईलाइन पंखे की तरफ है तो ये चाहता था कि मैं पंखे पे लटक जाऊं। तो बहुत ऐसी अनकंफर्टेबल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हां, वो कहता था नहीं मुझे देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं अगर ऐसी कोई तंग जगह भी होती थी तो आपके लिए आता था। हां ये तो है। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप दोनों की दोस्ती जाहिर है एक पहले प्रोजेक्ट पे हुई, फिर दूसरा प्रोजेक्ट करने तक आपस में बातचीत होती थी एक दूसरे के साथ? वर यू गाइस इन टच? एक दूसरे का काम देख रहे थे, पसंद कर रहे थे क्या, एक दूसरे को फीडबैक पहुंचा रहे थे या नहीं? हाँ बिल्कुल, वहाज का जो एक प्रोजेक्ट था जो बिछड़ गए उसका स्पेशली वहाज ने कहा था कि बहुत कम प्रोजेक्ट्स का कहता हूं और मैंने स्पेशली उनको फीडबैक दो, देखिएगा मेरा इरादा। अच्छा वहाज ने बकायदा मांगा आपसे फीडबैक? हां, उसने कहा कि फर्स्ट 3 एपिसोड्स देखो, फीडबैक दो। और ये कि ऑन एंड ऑफ वैसे प्रोफेशनल डिसीजंस और चीजों में मैं मशवरा राय लेती हूं। मैंने कहा ये ना कह दे कि इनकी जो कहते हैं कर देती हूँ ताकि नहीं राय लेती हूँ तो क्योंकि ये इतनी भी मासूम नहीं हूं। खासा जी खासा जी। एक तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अच्छा ऑनेस्ट बहुत है। ऑनेस्टी इसकी सबसे की है का मतलब जो इनकी जो स्क्रिप्ट परखने की सेंस है वो आप कह रही है? नहीं नहीं वो बिल्कुल नहीं है, वो इन्हीं की अच्छी है, उसको बाद में बेहतर करने की सेंस मेरी अच्छी है। हिडन टैलेंट है कि डायरेक्टर भी हैं ये? जी जी डायरेक्टर भी हैं और ऐसे। तो जब आप लोगों को एक और मौका मिला एक साथ काम करने का तो वहाज व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको पता चला कि आपके अगले प्रोजेक्ट में यमुना ही आपके साथ काम करेंगी? देखिए एज एन एक्टर मुझे अच्छा ही फील होता है क्योंकि यमुना एक बेहतरीन अदाकार है। किसी भी अच्छे एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक एडवांटेज ही होता है कि आपको सिर्फ रिएक्ट करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, एफर्ट ही डालनी। तो बिल्कुल आई वाज वेरी कंफर्टेबल। और आपको जब पता चला कि वहाज हैं आपके साथ? अच्छा वहाज का मुझे ऐसा लगता है कि अब तक इस तरह का कोई भी कैरेक्टर नहीं आया था। तो ये एक बड़ा रिस्की था कि वहाज इस तरह का कैरेक्टर करे क्योंकि इसका बड़ी सॉफ्टनेस सी है चेहरे पे और बड़ा मासूम सा चेहरा है इसका। तो वो एक ऐसा गुस्से वाला कैरेक्टर करना जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वहाज ने तो लोगों के दिलों में घर कर लिया, इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया। सो बस मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि बस वो कैरेक्टर और मैं और ये इस कैरेक्टर में सही लगें। तो ये था, मैं बार बार वहाज से कहती थी और वहाज का ऐसा होता था एटीट्यूड के हाँ ठीक है सही है देख लेंगे, हाँ पढ़ लूँगा, हाँ मैंने पढ़ा नहीं,
और मुझे बहुत होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बच्चा है जो कि मेरे बारे में कहते थे, मेरे को एक्टर्स, कि वो कहते थे कि जो पेपर से पहले कहते नहीं नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, और फिर जो है ना टॉप, मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी टॉप करते हैं वो पेपर आते हैं. सो वहाज ने डेफिनेटली मेरे लिए सरप्राइज था. यमुना की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि किसी भी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ी परफॉर्मेंस में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्शन का जो रिएक्शन है बहुत नेचुरल आया. आई थिंक यमुना को भी हेल्प मिली होगी. बिल्कुल, बहुत तंग किया है तुमने वहाज मुझे, इसलिए वो मीरा जो है ना इतना गुस्सा करती है हर बात पे चीज़ों. आप दोनों को लगता है कि तेरे बिन की पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद आप दोनों की जिंदगियों में कुछ तब्दीली आई है, कुछ बदलाव आया है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं? चलो पहले वहाज तुम जवाब दो इसका. मेरा तो सब कुछ वैसा ही है. अच्छा, कोई चेंज नहीं? इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी नहीं बढ़े अभी तक? हाँ, वो बढ़ गए, अल्लाह का शुक्र है. और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मेरी जिंदगी में तब्दीली आई है कि जो मेरी वालदा हैं वो मेरे हर कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हैं, लेकिन इस दफा मेरी अम्मी भी टीम मुर्तसिम में है. अच्छा, ये अच्छी बात जी. और जब मुझे ना वो थोड़ा उनका रवैया मुझसे थोड़ा मुझे एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी को बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही होती हूँ. सो वो है मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है आजकल, वो टीम मुर्तसिम पे है मेरी अम्मी. मैडम मुझे बताएं, आजकल वहाज का एक और ड्रामा ऑन एयर है, मुझे प्यार हुआ था, उसमें भी बड़ा लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं और लोग बड़ा उनकी हानिया के साथ केमिस्ट्री को भी बड़ा पसंद कर रहे हैं. तो आपने असेसमेंट की है कि आपकी और वहाज की केमिस्ट्री या वहाज की और हानिया की केमिस्ट्री दोनों में क्या ज्यादा गर्मा गर्मी क्रिएट करी? इतना अच्छा क्वेश्चन किया आपने, है ना. ये देखिए ना, ये सवाल आप भी इसका जवाब देंगे. अच्छा अच्छा, इसका जवाब जो है वो इसलिए क्योंकि वो दोनों की आर्क्स बहुत डिफरेंट है. ओह माय गॉडनेस, साद और मुर्तसिम के ये सवाल मेरे पे आने तो मैं उन्होंने भी देना जवाब. मुर्तसिम और साद के इतने आर्क्स दोनों के इतने डिफरेंट है, ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि अभी माशाल्लाह वहाज के दोनों प्रोजेक्ट्स ही बहुत अच्छे जा रहे हैं. और केमिस्ट्री केमिस्ट्री अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी डेवलप होगी वहाँ पे और ज्यादा. अभी तो वहाँ पे शुरू नहीं हुई ना. वहाँ पे शुरू अभी, हाँ. अभी फिलहाल एट दिस मोमेंट वहाज और यमुना की केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन वहाज और हानिया की केमिस्ट्री. लाउड है ना ज्यादा, तेरे बिन ज्यादा है. भाई मैंने एक्सप्लेनेशन तो नहीं मांगी, मैंने तो बस ठीक है यमुना के इस जवाब के लिए तालियां. वहाज आपका क्या मानना है? वहाँ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ कुछ भी, तो अभी तक जितना लोगों ने देखा है यहाँ कहानी जिस जगह पे भी है तो वो अभी यहाँ पे डेफिनेटली सबको अभी ये क्लिक कर रही है. वहाँ पे हानिया की जो केमिस्ट्री है वो जावेयर के साथ है. और अभी इंशाल्लाह आगे आके वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी आवाम को नजर आएगी. आवाम से ज्यादा अच्छी वीडियो थी. और हमने तो टॉक शो में अभी तक यही देखा कि जैसे वो ऑन स्क्रीन मतलब लड़ते रहते हैं ना, मीरा लड़ती रहती है मुर्तसिम से, तो उल्टा है ऑफ स्क्रीन, ऐसे कि जो मुर्तसिम है मतलब वहाँ चलती है वो हमारे जुमदार के साथ लड़ते रहते हैं. और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली ऐसा नहीं था कि लाइक वो सिर्फ लड़ती रहते, पर वो दोनों एक दूसरे को क्रेडिट भी दे रहे थे कि लाइक मैंने आपकी वजह से ये चीज़ें अच्छी हुई. उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं स्क्रिप्ट राइटर. और सबसे जो मुझे ये लगा कि जब उन्होंने कहा कि तेरे बिन तो अच्छी लगी चली रहा है और दूसरा एक ड्रामा और लगा है जिसमें वहाँ चली है, मुझे हम ड्रामे का नाम है, उसमें हानिया है, तो कहती है कि उसमें केमिस्ट्री अच्छी है किसमें, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल तो जो लोग हैं वो ज़्यादा प्यार मीरभ और मुर्तसिम की उसको दे रहे हैं केमिस्ट्री को दे रहे, तो हाँ. लेकिन उन्होंने कहा कि आई होप हानिया की और उनकी मुर्तसिम की केमिस्ट्री भी लोगों को समझ आए. तो सीरियसली मुझे अभी लगी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. और अभी हम इसका सेकेंड पार्ट देखने वाले कि जो आवाम है वो क्या सोचती है इन दोनों के बारे में, तो लाइक मैं इसको देखने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड उसके अगले पार्ट को. और सही में अभी तक तो जितना चल रहा है ना तो टॉक शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है यार. मुझे तो इसके ना लाइक जब स्टार्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, किस तरह से लड़ते लड़ते उन्होंने एंट्री मारी और फिर वो कह रही थी मैंने यहाँ बैठना, वो कहता है मैंने यहाँ बैठना है, और फिर वो उनकी लाइक ऐसा था, पता चलता क्या है कि ये लोग रियल में ऐसे नहीं है, लड़ाके नहीं है लेकिन हैं भी. जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, वो कह रहा था जैसे वो मीरम ने बोला कि लाइक हम लोग नहीं इतना, मेरी नेचर लड़ने वाली नहीं है तो ना ही इसकी ऐसी, तो फिर वो जो मुर्तसिम है वो फ़ौरन से कहता है यार
यार तुम झूठ बोल रही हो, लाइक उसको ऐसे कहता है तो कहते देखो अभी फिर मेरे साथ लड़ रहा है। तो मुझे ना उनकी केमिस्ट्री बहुत मजे की लगी, मतलब फ्रैंकनेस थी, फन था, ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखें और आपको देखने के बाद वो बोर ना हो। इनकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका। और जो एप्रिसिएशन थी इन दोनों की, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई जो है ना एक्टर एक्ट्रेस वगैरह ये एक दूसरे को बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनमें जैसी फैक्टर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है ऐसे बड़े बड़े सीन्स पर जाके। तो यहाँ पर जाके जब वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करें तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उनकी पॉजिटिविटी जो है वो हमें देखने को मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो तो हम लाजमी देखेंगे, क्योंकि मैं तो उसको देखे बगैर रह नहीं सकती, क्या होगा उसमें। सीरियसली अभी तक ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हम लोग अगर दूसरा पार्ट देखेंगे उसमें हमें और भी पता लगेगा कि कैसे ऑन स्क्रीन रहते हैं। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।